लेट्स लुक एट द इन्वेंट्रीज देर आर आर्गूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट इन्वेंट्रीज के इन्वेंट्रीज बेसिकली होनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल जैपनीज इन्वेंट्रीज को कंसिडर करते हैं कि बिगेस्ट ईवल इन प्रोडक्टिव सिस्टम तो प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर जो सबसे खराब चीज़ है वो इन्वेंट्री है उसके रीज़न मैं आगे बताऊंगा चल कर और बाकी कहते हैं कि नहीं ये इम्पोर्टेंट है ये बहुत ज़रूरी है तो ये हमें इन्वेंट्रीज जो है ये रखनी पड़ती हैं अब इसके अंदर अब बेसिकली अगर हम देखें कि रीज़न क्या है उसके फेवर में क्या है कि जी कस्टमर सर्विस इम्प्रूव होती क्यों कस्टमर सर्विस इम्प्रूव होती है अगर इन्वेंट्री पड़ी हुई है कस्टमर आता है उसको वो प्रोडक्ट चाहिए तो उसी वक्त इन्वेंट्री में से निकाल कर उसको सब दे देगा तो उससे कस्टमर सर्विस आपकी इम्प्रूव होगी कि जी आपने लट से नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ द टाइम जब कस्टमर आया है तो वो आपने उसकी रिक्वायरमेंट मीट कर ली है इन्वेंट्री से और क्योंकि वो इन्वेंट्री से निकाल कर दिया है तो आपने उसकी रिक्वायरमेंट मीट कर लिया है इमिजिएटली ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं यही इन्वेंट्रीज अगेन आपके तो, पड़ी हुई है वेयरहाउस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर का वो डिमांड आती है आप उसी वक्त उसको इमीडिएटली अवेलेबल है प्रोवाइड कर देते हैं इसके अंदर इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करने के लिए भी इन्वेंट्रीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्यों हो जाती हैं क्योंकि आप कहते हैं कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करना है हमने तो हमें प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है तभी हमारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल होंगी या ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हमने वैसे तो रिक्वायरमेंट लट से वन फोर्थ ऑफ ए ट्रक लोड चाहिए लेकिन हम कहते हैं कि नहीं हम अगर ट्रक पूरा ट्रक लोड ऑर्डर कर देंगे तो उसके अंदर पर यूनिट जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन की वो कम हो जाएगी क्वार्टर के अंदर वो बढ़ जाती है क्योंकि वो एक्सपेंसिव पड़ जाता है तो उसको अचीव करने के लिए देन वॉट यू डू इज यू बाय लार्जर क्वान्टिटी इंस्टेड ऑफ आप जो उसकी रिक्वायरमेंट उतनी नहीं करते उससे ज़्यादा कर लेते हैं तो वो इन्वेंट्री में बिल्डअप हो जाती है इसी तरह प्रोडक्शन आप ज़्यादा करते हैं तो वो इन्वेंट्री में फिर चला जाता है एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करने के लिए फिर ये है कि इट अलाउज़ फॉर लॉन्ग प्रोडक्शन रन हम चाहते हैं प्रोडक्शन के लोग चाहते हैं कि जी उनका प्रोडक्शन का वो जो है वो स्टेबल रहे वो फ्रिक्वेंट चेंजेस उसके अंदर आपको सेटअप टाइम चाहिए ये चीज़ें चाहिए तो उसको अवॉइड करने के लिए लॉन्गर रन के लिए आप प्रोडक्शन करते हैं तो फिर इन्वेंट्री आपकी बिल्डअप होगी आप प्राइस आप जाएं ऑर्डर प्लेस करें आप कहते हैं कि एक किलो मैंने ख़रीदना है कोई चीज़ तो वो उसकी प्राइस कम होगी आप कहते हैं दस किलो ख़रीदना है या एक मन खरीदना है वो ज़्यादा होगी एक किलो की एक मन या दस किलो आप चीज़ उठाते हैं तो पर यूनिट प्राइस उसकी कम हो जाती है तो उसका फ़ायदा उठाने के लिए भी ये आ, किया जाता है कि डिस्काउंट्स मिल जाते हैं आ, लार्जर शिपमेंट की जाती हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल जैसे मैंने पहले बताया तो उस केस के अंदर तो वो हम आ, इसको अवेल करते हैं ज़्यादा क्वांटिटी हम आ, भेजते हैं अच्छा इन इसके अंदर Uh, ये बेसिकली ये है कि जब हमें होता है कि प्राइसिस अप कर जाएंगी प्रोडक्ट की तो उसको हेज करने के लिए हम अगेन लार्ज इन्वेंट्री रख लेते हैं फॉर एग्जांपल ये चाइना ने किया था कि जब ऑयल प्राइसेस बिल्कुल नीचे चली गई थी इवन नेगेटिव में जा रही थी तो उसने अपने जितनी भी कैपेसिटी थी स्टोर करने की उसका सारा ऑयल उठा लिया और उसको अपने पास रख लिया क्योंकि चाइना वाज एक्सपेक्टिंग कि ये प्राइसेस बाद में बढ़ेंगी और वही हुआ तो उसको उन्होंने कि जी सस्ता है तो अभी से ही इसको हम उठा लें तो उसको प्राइस हाइक के अगेंस्ट हेज करने के लिए वी बिल्ड इन्वेंट्री प्राइस टर्म्स बेहतर करने के लिए आप कस्ट उससे सप्लायर से बात कर रहे हैं उससे कहते हैं कि जी मैं इतना नेगोशिएशन के अंदर आप क्वांटिटी बढ़ाते हैं बताते हैं कि जी ये इतना ज़्यादा मैं ले रहा हूँ तो बेहतर करो कुछ प्राइस तो उस बेसिस के ऊपर भी आ, आपकी प्राइस कम होगी लेकिन होगा क्या कि आपकी इन्वेंट्री बिल्डअप हो जाएगी आपने अनसर्टेंटीज़ हैं डिमांड की फ्लक्चुएशन बहुत होती है और सप्लाई की अनसर्टेनिटीज हैं तो उसके लिए आप सेफ्टी स्टॉक रखते हो तो इन्वेंट्री आपकी बिल्डअप होती है और फिर कंटिजेंसीज के अगेंस्ट हेज करने के लिए आपने ये बिल्ड की होती है इन्वेंट्री और जो ये स्ट्राइक्स वगैरह होने का खतरा होता है सलाब आ रहा है उसके इश्यूज हैं और चीजें अब ये जो चीज़ें हैं इनके खिलाफ डिसरप्शन ऑफ सप्लाई सप्लाई चेन के अंदर डिसरप्शनस इनकी वजह से आ रही हैं तो उसको भी आप उससे भी बचने के लिए आप बफर क्रिएट करते हो इन्वेंट्रीज़ का सो so दैट ये जो आपके स्ट्राइक्स हैं और ये नेचुरल डिज़ास्टर्स का वो जो है वो उसका इम्पैक्ट आपके कंपनी के ऊपर उस तरह ना पड़े जिस तरह आपका पड़ेगा अगर आपके पास इन्वेंट्री ना हो तो आपके पास इन्वेंट्री होगी तो कम से कम आप मार्केट को सप्लाई करते रहेंगे तो ये दीज आर सम ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से हम इन्वेंट्रीज मेंटेन करते हैं